नमस्कार, स्वराज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के रूप में मशहूर मेजर ध्यानचंद का आज जन्मदिन है। आज सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जिस तरह दुनिया भर में प्रशंसकों के दिल पर राज करते हैं, कुछ ऐसी ही ख्याति 1930 के दशक में हॉकी का जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद की थी। मगर अफसोस कि 4 साल पहले सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का सम्मान मिला, लेकिन देश के सबसे पहले स्पोर्ट्स स्टार को आज तक ये सम्मान नहीं मिल सका, जिससे परिवार गृह जिले झांसी के लोग मायूस हैं। मेजर ध्यानचंद जब हॉकी खेलते थे तो गेंद उनकी हॉकी से चिपक जाती थी। ये मेजर ध्यानचंद की हॉकी का जादू ही तो था कि 1932 के ओलंपिक के 37 मैचों में भारत की ओर से किए गए 330 गोल में से 133 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने किए थे। भारत के इस महान हॉकी खिलाड़ी ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलवाए थे। ध्यानचंद का खेल देख हिटलर भी हुआ था प्रभावित। हिटलर ने अपनी सेना में भर्ती होने का दिया था लालच। 1936 में बर्लिन ओलंपिक के फाइनल मैच का आनंद ले रहे जर्मनी के चांसलर एडोल्फ हिटलर ध्यानचंद का खेल देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अनेक प्रलोभन देकर ध्यानचंद को अपनी सेना में भर्ती करना चाहा। लेकिन सच्चे देशभक्त सिपाही को हिटलर का लालच भी दिगा ना सका। बर्लिन ओलंपिक के दौरान ही मेजर ध्यानचंद की गोल करने की अद्भुत क्षमताओं को देख जर्मन न्यूज़पेपर ने ही उन्हें हॉकी के जादूगर की संज्ञा दी थी। हॉकी में मेजर ध्यानचंद के योगदान को देखते हुए उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 4 साल पहले जब पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का सम्मान मिला तो उम्मीद जगी थी कि मेजर ध्यानचंद को भी ये सम्मान जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ, जिससे उनके गृह जिले झांसी और उनके परिवार के लोग काफी निराश हैं। वो फाइल तो गत सरकार की थी जिनके अंडर में काम चल रहा था और वो एकदम से उसका पटाक्षेप कर दिया गया, उस फाइल को कहाँ फेंक दिया गया, तो एक बड़ी खराब हमारे देश के अंदर ऐसी परंपरा स्थापित की उन्होंने जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और तकलीफ हुई उसके बाद कि क्या ऐसा भी हो सकता है ऐसे शख्स के लिए जिसने देश के लिए अपने आप को निछावर कर दिया हो। हॉकी खिलाड़ियों को खेल का मैदान और बेहतर सुविधाएं मिले, शायद मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर हॉकी के जादूगर को भारत रत्न सम्मान दे दिया जाता है तो देश के राष्ट्रीय खेल को प्रोत्साहन देने के लिए ये एक बड़ा कदम होगा। झांसी से अब्दुल सत्तार की रिपोर्ट, जी मीडिया। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का खेल जिसने भी देखा वो उनका मुरीद हो गया। उनके 114वें जन्मदिवस पर आइए एक नजर डालते हैं उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर। ध्यानचंद ने 16 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन की। इसी समय उन्होंने हॉकी खेलना भी शुरू किया। खेल प्रदर्शन को देख लांस नायक से वे मेजर बनाए गए। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार उन्होंने हिस्सा लिया। 4 मैचों में भारतीय टीम ने 23 गोल किए। ध्यानचंद ने सबसे ज्यादा 14 गोल किए। ध्यानचंद ने भारत को अनेक यादगार जीत दिलवाई। वे अपना बेस्ट मैच बेकटन कप फाइनल बताते थे। ये मैच 1933 में कोलकाता कस्टम्स और झांसी हीरोज में हुआ। 1932 के ओलंपिक में ध्यानचंद ने 12 गोल किए। उनके भाई ने 13 गोल किए। इसके बाद दोनों भाइयों को हॉकी ट्विंस कहा गया। 1936 में जर्मन न्यूज़पेपर ने दी हॉकी के जादूगर की संज्ञा। ध्यानचंद का खेल देख हिटलर ने भी की थी प्रशंसा। अपनी सेना में भर्ती होने का दिया था लालच। ध्यानचंद ने अपने 22 साल के करियर में 400 गोल किए। नीदरलैंड हॉकी प्रशासन ने की थी उनकी हॉकी चेक। शक था कि कहीं उनकी हॉकी स्टिक पर कोई चुंबक तो नहीं। 1935 में ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन ध्यानचंद से मिले। महान क्रिकेटर ब्रैडमैन ने कहा था कि वह ऐसा गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बन रहे हों।
ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 का ओलंपिक खेला। तीनों ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक जिताया। 1938 में 43 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से उन्होंने संन्यास लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात कौशाम्बी की, जहां करेला की फसल किसानों की जिंदगी में बदलाव लेकर आ रही है। अभी तक परंपरागत खेती कर मुफलिसी झेलने वाले किसान अब नकदी फसल करेला की खेती कर मालामाल हो रहे हैं। मुरतगंज ब्लॉक के पट्टी नरवर गांव में पूरे गांव ने 250 बीघे से अधिक के क्षेत्रफल में करेले की खेती कर एक मिसाल कायम कर दी है। करेले का नाम सुनते ही एक बार को मुंह कड़वा हो जाता है, लेकिन कौशाम्बी जिले के किसानों की जिंदगी में यही कड़वा करेला मुनाफे की मिठास खोल रहा है। परंपरागत खेती और मुफलिसी की मार झेलने वाले किसान अब जुलाई के महीने में करेले की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। फायदा तो आपको लगभग उसमें अगर 10,000 लगाओ तो मान जो 30,000 35,000 जैसे फसल होता है, लागत के हिसाब से फायदा होता है। करेला की खेती में किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, इसके लिए कौशाम्बी का उद्यान विभाग भी मदद कर रहा है। उद्यान विभाग ने करीब 1000 बीघे में किसानों को करेले की खेती में अनुदान मुहैया कराया है। एक बीघे में लगभग 60,000 रुपए का प्रॉफिट जो है किसान ले सकता है, और हाइब्रिड केला, हाइब्रिड जो करेला है उसे बहुत अच्छी आमदनी है और किसान बेचने की कोई समस्या नहीं है। किसान की सबसे कम मेहनत और खर्च से तैयार होने वाले करेले के बारे में हमारा आयुर्विज्ञान गुणगान करते नहीं थकता। करेले का स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन सेहत के लिहाज से ये बहुत फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में इसको एक तो रस के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अर्क के रूप में लिया जा सकता है। प्रातः जो अगर खाली पेट इसका इस्तेमाल किया जाए तो एंटी डायबिटिक इसमें प्रॉपर्टीज काफ़ी मिलती है। इसके कई इसमें बहुतायत मात्रा में कई केमिकल हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को जो है कंट्रोल करते हैं। कड़वे करेले ने जिस तरह से परंपरागत खेती करने वाले कौशाम्बी के किसानों के जीवन में मुनाफे की मिठास खोली है, उससे अगर दूसरे जिलों के किसान भी प्रेरणा लें तो वो भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कौशाम्बी से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रक्षाबंधन पर मुस्लिम युवती सना थानवी के मुजफ्फरनगर एसएसपी को राखी बांधने का मामला गर्मा गया है। देवबंद के उलेमाओं ने सना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसकी जमकर आलोचना की, जिसके बाद सना ने इस मामले पर सफाई दी है। तारीख 26 अगस्त, मौका रक्षाबंधन का। मुस्लिम युवती शना थानवी ने एसएसपी और दूसरे पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल कायम कर दी थी। सभी ने शना की जमकर तारीफ की थी, यहां तक कि एसएसपी ने शना को सम्मान के तौर पर नई मंडी कोतवाली का 5 घंटे के लिए प्रभारी निरीक्षक भी बना दिया था। लेकिन इसके बाद जब खबर और तस्वीरें देवबंद के उलेमाओं तक पहुंची तो ये बात उन्हें नागवार गुजरी और इस बात पर कड़ी आपत्ति जाहिर की गई, और देखते ही देखते ये पूरा मामला चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद शना ने मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई दी है। उन्होंने जो नाराजगी जताई है कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर मैंने किसी को राखी, पुलिस वालों को राखी बांध दिए और उन्होंने 365 दिन साल के वो हमारे लिए काम करते हैं, वो ये नहीं देखते कि हिंदू है या मुस्लिम है, क्या है क्या नहीं, अगर मैंने उस दिन जाके उनके राखी बांध दिए तो इसमें कोई ना तो ही बेपर्दगी हुई है और ना ही कोई ऐसी बात हुई है जो वो बोल रहे हैं। शना की माने तो उन्होंने वही किया जो उन्हें ठीक लगा, लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर उठता है कि भाईचारे के धागे पर धर्म के धुरंधर कब तक ऐसे ही सांप्रदायिक सौहार्द को धूल में यूं ही मिलाते रहेंगे। मुजफ्फरनगर से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए पुल और सड़क आदि का निर्माण कराती है,
मगर इस निर्माण कार्य के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से लोगों को दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। ऐसी एक तस्वीर सामने आई है पीलीभीत के बीसलपुर बरेली रोड से। ये तस्वीरें देखकर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग जान जोखिम में डालकर इस नदी को क्यों पार कर रहे हैं। ऐसा करने से कभी भी जानलेवा दुर्घटना हो सकती है। तो हम आपको बता दें कि बीसलपुर बरेली रोड पर देवहा नदी पर नया पुल बनना था, लेकिन नया पुल बनने से पहले ही प्रशासन ने पुराना पुल तोड़ दिया, जिसके चलते लोग मजबूरी में अब गार्डर के सहारे नदी पार करते हैं। बहुत ही दुखदायक, दो तीन बार तो गिरने से बच गया हूँ। यहाँ पे बहुत सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं प्रशासन क्या करना चाहता है इसका। गार्डर डाल दिए गए हैं, हम लोग गार्डरों को क्रॉस करके और आगे बढ़ा जो है, लोगों ने हाथ पकड़ करके निकलवाया है, लेकिन यहाँ प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं अब अधिकारियों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि बरसात का पानी रुकने पर ही पुल के निर्माण का कार्य शुरू होगा। पानी देवा नदी में बढ़ गया था एकदम एकाएक, तो वहाँ पर पुल बन रहा था, वहाँ कटान मार दिया, तो वो चौड़ा था, तो वहाँ उस समय तत्काल में कुछ नहीं बना पाए थे, लेकिन अब उसमें प्रयास है कि हम लोग चलने लायक, मोटरसाइकिल निकलने लायक। आज टीम भेज दी गई है, वो काम कर रही है, लेबर लगे हुए हैं। पुरुषों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी इस तेज धार के ऊपर पतले से लोहे के गार्डर पर जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। पीलीभीत से मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट, जी मीडिया। पढ़ना हर बच्चे के लिए जरूरी है, क्यों? जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मगर प्रदेश कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान कम देते हैं और उनसे दूसरे काम ज्यादा लेते हैं। ऐसा ही आरोप लगा है फरुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के कोटा देव गांव के प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल पर। अगर ये तस्वीर देखकर आप सोच रहे हैं कि भला इन मासूम बच्चों को कड़ी धूप में इतना वजन उठाकर ले जाने के लिए किसने कहा, तो हम बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। ये बच्चे फरुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव कोटा देव के प्राथमिक विद्यालय के हैं। आरोप है कि स्कूल की प्रिंसिपल छात्रों से रोज इसी तरह राशन स्कूल मंगाती है। इस बारे में ग्राम प्रधान बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो बेकार की बात है, शिक्षा का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है जिससे समाज में गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। ये अध्यापक लोग मनमानी कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, पढ़ने के लिए बच्चों से काम कराया जा रहा है। वहीं जब इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जांच की बात कही। इसमें एक काम और कर रहे हैं कि जितने भी कल सारे मास्टर्स को ब्लॉक पे बुलाया गया है, उनको आज ये संदेश दिया गया है करके आए, सूच मुआयना करके आए। सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है, मगर ऐसा लगता है कि जब तक सरकार लापरवाह शिक्षक और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारा नहीं जा सकता। फरुखाबाद से अरुण सिंह की रिपोर्ट, जी मीडिया। उधम सिंह नगर के खटीमा शहर में बीते रोज पूरी रात हुई बारिश ने प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था के पोल खोलकर रख दिए। तस्वीर ये है कि आपदा के समय आम जनता को बचाने वाले विभागों के दफ्तर ही आपदाग्रस्त दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट पेश है। शहर कोतवाली फायर ब्रिगेड के साथ अस्पताल या फिर सड़क, हर जगह पानी ही पानी। ये तस्वीरें हैं उधम सिंह नगर के खटीमा की, जहां रात भर हुई बारिश से आपदा प्रबंधन तंत्र खुद आपदा ग्रस्त हो गया। यहां तक शहर के मुखिया, एसडीएम और शहर कोतवाल के घर में भी दो दो फुट पानी भर गया है।
ऊपर से पानी काफी टपक रहा है, सारे बिस्तर कर्मचारियों के भीगे हुए हैं, नीचे बाथरूम ड्यूटी पर बैठने लायक जगह नहीं है, दो कुर्सियां रखी हैं, एक पे कर्मचारी पैर रखता है, दूसरे पे बैठता है, और नीचे भी सारे बिस्तर भीगे हुए हैं, तखत के ऊपर तक पानी चढ़ने के कगार में। प्रमुख सरकारी दफ्तरों में जल भराव की स्थिति पर पुलिस अधीक्षक भी मानते हैं कि शहर में पानी की निकासी की सही व्यवस्था नहीं है, इसी वजह से पानी भर गया। पुरानी बनी हुई है और चूंकि यहाँ पर जल निकासी की समस्या है और यहाँ लगातार बारिश भी हो रही है, वजह से ये जल भराव की स्थिति हो रही है, इसको देखा जा रहा है और यथा संभव होकर रिपेयरिंग का या फिर जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी, उसका एस्टिमेट बनाया जाएगा और जो आगे कार्रवाई होगी। उधम सिंह नगर के खटीमा शहर की ये तस्वीरें वाकई चिंताजनक है, वो भी तब जब आपदा प्रबंधन में जुटे विभागों के दफ्तर एक ही रात की बारिश में जलमग्न दिखने लगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार के ये विभाग किस आधार पर आम लोगों को आपदा की हालत में बचाने का दावा करते हैं। उधम सिंह नगर से धीरेंद्र मोहन गौड़ की रिपोर्ट, जी मीडिया। हमीरपुर जिला महिला अस्पताल में लखनऊ से आई जांच टीम की आवाभगत के चलते प्रसूताएं और उनके नवजात बच्चे भूख से तड़पते रहे। प्रसूताओं को सुबह 11 बजे दिए जाने वाला खाना 4 घंटे देर से शाम को 4 बजे दिया गया। खास बात तो यह है कि जांच टीम के मुखिया ने भी माना कि प्रसूताओं को देरी से खाना दिया गया। ये है हमीरपुर का जिला महिला अस्पताल, जिसमें जिले भर की महिलाएं डिलीवरी कराने आती हैं। आज इस महिला अस्पताल में लखनऊ से कायाकल्प अवार्ड की टीम जांच करने पहुंची थी। इस जांच टीम की खुशामद में लगा अस्पताल प्रशासन, प्रसूताओं को वक्त से खाना देना ही भूल गया। नतीजतन 11 बजे दिया जाने वाला भोजन शाम 4 बजे दिया गया। खाना अभी तक नहीं मिला, अभी तक मिला नहीं, मिल जाता था, आज अधिकारी आ रहे थे तो आज नहीं अभी दिया, वैसे 10 बजे आ जाता खाना। महिला अस्पताल की कमियों की जांच करने आई टीम जांच करती रही और प्रसूताएं 4 घंटे भूख से बिलबिलाती रही। जब जांच टीम के मुखिया का ध्यान इस तरफ दिलाया गया तो जांच टीम की मुखिया डॉक्टर अरुण सिंह ने माना कि आज खाने में देर हो गई है। इंटरनल असेसमेंट होता है जिसमें हॉस्पिटल की टीम करती है और एक चेकलिस्ट होती है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है मार्किंग की जाती है उस पर। यदि हॉस्पिटल 70% से ज़्यादा स्कोर यदि लाता है तो उसको जो है अगले लेवल पर जो है पहुंच जाता है हॉस्पिटल, तो 70% से ऊपर इनका स्कोर आया है तो दूसरे लेवल पर पहुँच गया और जो है तो पीयर असेसमेंट है जो हम लोग करने आए हैं हॉस्पिटल का। जिला महिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं की जांच को शासन से भेजी गई टीम किस तरह की जांच करके शासन को गुमराह करती है, इसका ताजा नमूना आज देखने को मिला। जब जांच टीम की मौजूदगी में ही प्रसूताओं को 4 घंटे देर से खाना दिया गया और जांच टीम के मुखिया मुस्कुराते रहे, जैसे 4 घंटे देरी से दिया गया भोजन कोई कमी में नहीं आता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ हमीरपुर से रविंद्र निगम की रिपोर्ट, जी मीडिया। बरेली में पिछले एक पखवाड़े से हो रही बारिश से शहर से लेकर गांव तक लोग बेहाल हैं। बरेली शहर में किला नदी ने तांडव मचा रखा है। बाढ़ के पानी में बाकरगंज की सड़क पूरी तरह डूब गई है। लोग जान हथेली पर रखकर नदी पार कर रहे हैं। रामगंगा नदी की सहयोगी किला नदी में आए उफान ने इलाके के करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। जिला प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं होने के कारण लोगों को ट्यूब से बनी नाव के सहारे नदी पार कर रोजमर्रा के कामकाज पर निकलना पड़ता है। हालांकि प्रशासन जल्द ही लोगों को मदद पहुंचाने का भरोसा दे रहा है। दिक्कत तो इतनी हो रही सर, जिससे कि हमें ड्यूटी भी जाने में परेशानी हो रही है। आज भी ड्यूटी नहीं जा पाए, कल तो पूरे बारिश में भीगते हुए नाले में से गाड़ी निकालते हुए ले गए, वो भी पैदल ले गए, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाती, गाड़ी बंद पड़ जाती है, इस वजह से बहुत परेशानी होती है। काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, जब से हमने यहाँ घर लिया है कम से कम हो गए 7-8 साल हो गए हमारे लिए।
और इसी के साथ स्वराज में बस इतना ही। आप बन रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।